Good morning, children. Today we are going to learn about the days of the week, names of the month, and a very sweet bird that is known as cuckoo. आप लोगों को बच्चों एक छोटी सी सुंदर सी चिड़िया के बारे में मालूम है, जिसको हम लोग कोयल बोलते हैं. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हफ्तों के नाम, महीनों के नाम और उस चिड़िया के बारे में. चलो विपुल, ये बताओ, तुमको पता है आज कौन सी तारीख है? आज 12 फरवरी है. हाँ, आज 12 फरवरी है. तो व्हाट इज द डेट टुडे? 12 फरवरी. हाँ, टुडे इज 12 फरवरी. चलो, तुमको क्या पता है कि कौन सा साल चल रहा है? यस टीचर, ये साल 2008 है. हाँ, 2008 है. सो व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 12 फरवरी 2008. तुमको मालूम है साल में कितने महीने होते हैं? यस टीचर. हाँ बताओ. साल में 12 महीने होते हैं. वेरी गुड. और तुमको क्या महीनों के नाम पता है विपुल? हाँ बताओ. बताओ. जनवरी, फरवरी. जोर से बोलते हैं थोड़ा सा. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है विदिशा, तुम बताओ. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. वेरी गुड. इसके मतलब तुम लोगों को नाम पता है. तो चलो अभी हम ये नाम तुमको फिर से बताते हैं और इनका सही उच्चारण बताते हैं. ठीक है, चलो और बोलते हैं. नाउ यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी. यू नो व्हाट इज आफ्टर? आफ्टर ए एफ टी ई आर. आफ्टर, आफ्टर का मतलब जानते हो? बाद में. तो यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी. चलो नाउ से जनवरी. जनवरी. फेब्रुवरी. फेब्रुवरी. मार्च. मार्च. अप्रैल. अप्रैल. मई. मई. जून. जून. जुलाई. जुलाई. अगस्त. अगस्त. सितंबर. सितंबर. अक्टूबर. अक्टूबर. नवंबर. नवंबर. एंड दिसंबर. एंड दिसंबर. दैट मीन्स देयर आर 12 मंथ्स इन एन ईयर. Whenever we talk about year, year मतलब साल, तब उस समय हम लोग साल के 12 महीनों के बारे में बात करते हैं. जैसे आप सब लोग जानते हैं ना कि कोई एक महीना सबसे पहले होता है, एक महीना सबसे बाद में होता है. तो विपुल तुम बताओ, साल का पहला महीना कौन सा है? साल का पहला महीना जनवरी है. हाँ, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जनवरी. तो विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? The first month of the year is January. Very good. Shabash. Vidisha, tum batao, which is the last month of the year? The last month of the year is December. December. December साल का आखिरी दिन है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? December is the last month of the year. सबसे पहले ऐसा करते हैं, चलो ये बताओ, which is the first month? Say it again. January. January is the first month. And February? Second month. March? Third month. April? Fourth month. May? Fifth month. June? Sixth month. July? Seventh month. August? Eighth month. September? Ninth month. October? Tenth month. November? Eleventh month. December? Twelfth month. Twelfth month. Like that, all these 12th month, no, 12 months are here and December is the last month of the year. आपको समझ में आ गया? यू हैव टू रिपीट इट आफ्टर अगेन एंड अगेन. इफ यू लर्न इट अगेन एंड अगेन, ओनली देन यू विल लर्न. जब आप लर्न करते हैं तो इसको स्पेलिंग के साथ याद करते हैं, जिससे आप लोगों को कहीं लिखने में भी बहुत सुविधा रहती है. चलो अब हम लोग बात करते हैं हफ्ते के दिनों के बारे में. सो हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक? आपको पता है वीक का मतलब क्या होता है? यस टीचर. हाँ, क्या होता है? का मतलब हफ्ता होता है. तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? 7 डेज आर देयर इन अ वीक. वेरी गुड. देयर आर 7 डेज इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं. तुम लोगों को इन दिनों के नाम पता है? Yes, कौन बताएगा? चलो विपुल तुम बताओ. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. वेरी गुड. अब तुम बताओ. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ठीक है, शाबाश. इसके मतलब तुम लोगों को दिनों के नाम तो पता है. ठीक है,
अब हमको पता लगाना है कि कौन सा दिन पहला दिन होता है हफ्ते का। जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी ना कि जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर, सो इन द सेम वे हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? सी, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। यू से आफ्टर मी, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। से इट अगेन, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। वेरी गुड। चलो विपुल, अब तुम हमारे साथ बोलोगे, मंडे इज द, नाउ से इट अगेन, मंडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, ऑफ द वीक। अब एक बार मैं बोलूंगी, उसके बाद आप हमारे बाद बोलेंगे, मंडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, मंडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक। ठीक है, अब विदिशा तुम बोलो, ट्यूजडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, ट्यूजडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। Wednesday is the fourth day of the week. Wednesday is the fourth day of the week. Thursday is the fifth day of the week. Thursday is the fifth day of the week. Fifth का मतलब पता है क्या होता है? Yes teacher. हाँ बताओ. Fifth का मतलब पांच होता है. Very good. तो ये पांचवा दिन है. अब आप बोलेंगे विपुल, Friday is the sixth day of the week. Friday is the sixth डे ऑफ द वीक। हाँ, सिक्स्थ बोलो इसको, सिक्स्थ, सिक्स्थ। हाँ, क्लियर बोलना बहुत जरूरी होता है, जब तक हम लोग सही उच्चारण नहीं करेंगे तब तक हम लोग सही इंग्लिश नहीं बोलते हैं। अब सैटरडे इज द सेवेंथ डे ऑफ द वीक, सैटरडे इज द सेवेंथ डे ऑफ द वीक। फिर से बोलते हैं, सैटरडे, सैटरडे इज द सेवेंथ डे, इज द सेवेंथ डे ऑफ द वीक, ऑफ द वीक। देखो सेवन का मतलब होता है सात, सेवेंथ मीन्स सातवां, जब हम उसमें टी एच लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, सातवां। तो सैटरडे इज द सेवेंथ डे ऑफ द वीक, बोलो, सैटरडे इज द सेवेंथ डे ऑफ द वीक। हाँ, तो विपुल यू नीड प्रैक्टिस, मतलब तुमको अभ्यास की जरूरत है, तुमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलो अब हमको एक और शब्द हम तुमको नया सिखाएंगे, अभी आपने पढ़ा था आफ्टर, आफ्टर का अर्थ क्या होता है, बाद में। शाबाश विदिशा, तुम बताओ आफ्टर का अर्थ क्या होता है, बाद में। चलो ठीक है, अब हम तुमको एक नया शब्द सिखाते हैं, बिफोर। व्हाट इज इट, बिफोर, हम लोग इसको बोलते हैं बिफोर। बिफोर का अर्थ क्या होता है पता है, बिफोर का अर्थ होता है पहले, बिल्कुल सही। अब हम तुमको ये बताएंगे कि आफ्टर और बिफोर क्या किसके बाद आता है, कौन सा दिन किसके बाद आता है। ठीक है, चलो अब संडे कम्स बिफोर मंडे, इसका अर्थ क्या हुआ, इतवार का दिन जो है सोमवार के दिन से पहले आता है, बिफोर मतलब पहले। नाउ यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी, संडे कम्स बिफोर मंडे, संडे कम्स बिफोर मंडे, मंडे कम्स बिफोर ट्यूजडे, मंडे कम्स बिफोर ट्यूजडे। विदिशा ट्यूजडे का अर्थ क्या होता है तुम्हें मालूम है, ट्यूजडे का अर्थ मंगलवार होता है। वेरी गुड, शाबाश। वेडनेसडे कम्स आफ्टर ट्यूजडे, वेडनेसडे कम्स आफ्टर ट्यूजडे। आफ्टर का अर्थ तुम बताओ विपुल क्या होता है, आफ्टर का अर्थ बाद में होता है। अच्छा, तो जो हमने अभी लाइन पढ़ी है, वेडनेसडे कम्स आफ्टर ट्यूजडे, इसका क्या अर्थ हुआ, वेडनेसडे बाद में आता है ट्यूजडे। हाँ, के तो वेडनेसडे कौन सा होता है, बुधवार, बुधवार जो है वो मंगलवार के बाद में आता है, शाबाश। अब थर्सडे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, थर्सडे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, फ्राइडे कम्स बिफोर सैटरडे, फ्राइडे कम्स बिफोर सैटरडे, सैटरडे कम्स आफ्टर फ्राइडे, सैटरडे कम्स आफ्टर फ्राइडे। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा बिफोर, बिफोर, आफ्टर, 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 फिर बिफोर, फिर आफ्टर, मतलब क्या चीज पहले क्या चीज बाद में। ठीक है, तो व्हाट कम्स बिफोर संडे, सैटरडे, सैटरडे, शाबाश। तो विच इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, सैटरडे, सैटरडे, हाँ, और संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो आफ्टर सैटरडे वी हैव संडे। ठीक है, आप लोगों को यह बात समझ में आ गई, शाबाश। अब हम लोग देखेंगे एक चिड़िया के बारे में बात करेंगे जो होती है। अच्छा तुम बताओ कि इन विच मंथ वी हैव समर, विदिशा कुछ आइडिया कब हम लोग गर्मी का मौसम होता है,
अप्रैल में, अप्रैल से शुरू होती है गर्मी। अच्छा उस समय हम लोग क्या क्या चीजें हम लोगों को मिलती हैं? आम, हाँ आम मिलते हैं। और कौन सी चिड़िया उस समय बोलती है? कोयल। कोयल, तो कोयल उस समय आती है, आम के पेड़ों पर कोयल आती है। ठीक है, किसी को कोयल पे कोई कविता आती है? यस टीचर, मुझे आती है। हिंदी में आती है कि इंग्लिश में आती है? हिंदी में। चलो ठीक है, तुम दो लाइनें सुनो, फिर हम तुमको इंग्लिश की एक कविता सिखाते हैं। काली काली कुकू करती जो है डाली डाली फिरती, छिपी हरे पत्तों में बैठी जो है पंचम सुर में गाती, वही है कोयल कहना। हाँ तो ये तुमने पूरी तो कविता नहीं सुनाई, बीच में तुम एक लाइन भूल गई, कोई बात नहीं। ठीक है, हम तुमको एक इंग्लिश की कोयल की कविता सुनाते हैं। इंग्लिश में कोयल को क्या हम लोग बोलते हैं? कुकू। क्या बोलेंगे? कुकू। कुकू, तो कुकू कुकू हमारी इस कविता का नाम कुकू है। नेम ऑफ दिस पोएम इज कुकू। पोएम का अर्थ क्या होता है? कविता। तो देखो, कुकू कुकू व्हाट डू यू डू, इन अप्रैल आई ओपन माय बिल, इन मे आई सिंग ऑल डे, इन जून आई चेंज माय ट्यून, इन जुलाई अवे आई फ्लाई, इन ऑगस्ट गो गो आई मस्ट। ठीक है, अब हम तुमको एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे। ठीक है, एक छोटा बच्चा है, मान लो तुम हो, तुम चिड़िया से पूछ रहे हो कि कुकू कुकू व्हाट डू यू डू, कोयल तुम क्या करती हो। अब कोयल अपने बारे में उस बच्चे को बता रही है, देखो इन अप्रैल आई ओपन माय बिल, बिल का अर्थ क्या होता है? चोंच। क्या अर्थ होता है? चोंच। तो अप्रैल में मैं अपनी चोंच खोलती हूँ। इन मे आई सिंग ऑल डे, मे के महीने में मैं पूरे दिन गाना गाती रहती हूँ। जब आम के पेड़ होते ना, उस पे कोयल पूरे टाइम कू कू करती रहती है। कभी जाकर देखना गर्मी की छुट्टियों में पेड़ों के पास बगीचे में, देखना तुमको सुनाई पड़ेगी आवाज। ठीक है, फिर इन जून आई चेंज माई ट्यून, ट्यून का अर्थ क्या होता है? धुन। ठीक है, तो वो कह रही है कि मैं जून के महीने में अपनी धुन बदल देती हूँ। इन जुलाई अवे आई फ्लाई, जुलाई में मैं उड़ जाती हूँ। इन ऑगस्ट गो गो आई मस्ट, और अगस्त के महीने में मैं दूर चली जाती हूँ, किसी को नजर नहीं आती हूँ। मतलब अप्रैल से लेकर अगस्त तक हमको कोयल की आवाज सुनाई पड़ती है। समझ में आया? नाउ वी लर्न दिस पोएम। मैं बोलूंगी एंड यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। ठीक है, चलो बोलो। कुकू 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 व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू इन अप्रैल, इन अप्रैल आई ओपन माय बिल, I open my bill. In May, in May I sing all day, I sing all day. In June, in June I change my tune, I change my tune. In July, in July away I fly, away I fly. In August, in August go go I must, go go I must. ठीक है, चलो अब इस poem को हम लोग थोड़ा सा गा कर सुनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो बोलो। कुकू 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 व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू इन अप्रैल, इन अप्रैल आई ओपन माय बिल, आई ओपन माय बिल. इन मे, इन मे आई सिंग ऑल डे, आई सिंग ऑल डे. इन जून, इन जून आई चेंज माय ट्यून, आई चेंज माय ट्यून. इन जुलाई, in July away I fly, away I fly. In August, in August go go I must, go go I must. चलो फिर से इसी को बोलेंगे हम लोग। अब देखो तुमको हम कोयल का चित्र भी दिखा रहे हैं। देखो कितना सुंदर सा है ना, पेड़ है उस पे कोयल है, देखो सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं, है ना। अब इस पे बैठी हुई है कोयल और वो गाना गा रही है। चलो अब हम लोग भी वही गाना गाते हैं। ठीक है, चलो बोलो। कुकू 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 व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू इन अप्रैल, इन अप्रैल आई ओपन माय बिल, आई ओपन माय बिल. इन मे, इन मे आई सिंग ऑल डे, आई सिंग ऑल डे. इन जून, इन जून आई चेंज माय ट्यून, आई चेंज माय ट्यून. इन जुलाई, in July away I fly, away I fly. In August, in August go go I must, go go I must. In August, in August go go I must, go go I must. In August, in August.